अभी मैं अपने आप को चेंज करता हूं। अभी हम सीधा खड़ा था, अब हम उल्टा खड़ा हो जाएगा। अच्छा बताओ, मैं उल्टा चल दिया, इससे किसी का रिलीजन चेंज हो जाएगा? अब मैं सूर्य नमस्कार करता हूं, ये सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार है, क्या नाम है इसका? इससे पूरा आपका मसल्स अच्छा हो जाता है। अब किसी बच्चे को करना हो तो शीर्षासन करा, जो बच्चे ऐसे करेंगे उनका ब्रेन शार्प होगा। जो बच्चे करेंगे उनका ब्रेन कैसा होगा? उनका मेमोरी शार्प होगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब किसी को ज्यादा स्ट्रोंग बनना है तो ऐसे कर लो, बच्चों को 5 आसन जरूर करना चाहिए। कितना आसन करना चाहिए बच्चों को? 5 आसन बच्चों के लिए। देखो जैसे बच्चे हैं तो शीर्षासन तो सब बच्चे नहीं कर सकते, तो सर्वांग आसन कर सकते हैं, ऐसे लेट के, ये ऐसे ऊपर पैर उठा दिए, फिर पैर पीछे टिका दिए, यह हलासन हो गया, और ऐसे बीच से उठा दिया तो ये चक्रासन हो गया, और आगे झुक जाओ तो पश्चिमोत्तान आसन हो गया। ऐसे पैर मोड़ के बैठ जाओ तो पद्मासन हो गया। अब इसमें उठ जाओ तो ये उत्थित पद्मासन हो गया। अब ऐसे 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 बैठ जाओ पैर मोड़ के तो वज्रासन हो गया। इसका कोई रिलीजन से, कोई मजहब से, धर्म परिवर्तन से, मजहब परिवर्तन से कोई मतलब नहीं। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। अब किसी को डायबिटीज है, इफ यू आर ए डायबिटिक पेशेंट और यू आर डूइंग डेली कपालभाति एंड मंडूकासन, सो यू कैन कंट्रोल योर डायबिटीज विदाउट एनी मेडिसिन। सो दिस इज अल्टीमेट थिंग फॉर ए ह्यूमन बींग विदाउट एनी मनी। मैं आपको दो थोड़ा थोड़ा चीज बता रहा हूं। अब किसी को कमर में दर्द है, चलो एक बात और बताता हूं, कमर में दर्द है तो कमर में दर्द है तो ऐसे करें तो कमर में दर्द फायदा होगा, बैठ करके ऐसे करें उष्ट्रासन, यह अर्धचक्रासन था, ऐसे करें, पीछे झुक गया उष्ट्रासन हो गया, ऐसे लेट करके पीछे झुक गया तो भुजंगासन हो गया। पीछे से उठा दिया शलभासन। अब इससे कमर दर्द अच्छा होता है। सो इफ यू हैव बैकएक, सो दिस एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। सो योग इज नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज एंड योग इज नॉट ए रिलीजियस प्रैक्टिस, दिस इज ए साइंटिफिक, हेल्दी
एंड सेक्युलर प्रैक्टिस। सो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं यहां पर। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग योगी हैं, हम लोग कोई किसी भी तरह का अंधविश्वास, कितना लोग अंधविश्वास मानता है। अब देखो, हमारा तो ये कपड़ा है, तुम्हारा ये कपड़ा है। पिछली बार तो हमको पूरा ही ऊपर से नीचे तक नागा पहना दिया था। अब ये आधा बाबा हो गया, आधा नागा हो गया, नागा बाबा हो गया अभी बाबा। मैं आपको ये बोलता हूं, आप एक बार योग प्रैक्टिस खुद करो, अपने बच्चों को कराओ, दे विल बी हेल्दी एंड इंटेलिजेंट। सो कोई डरने की जरूरत नहीं है। पतंजलि से तो बिल्कुल मत डरो। और हमारे थॉमस जी का, नियनु जी का और पूज्य आचार्य जी का एक बार जोरदार वेलकम करो कि इस जंगल के अंदर मंगल करने आए। जंगल में मंगल, जोर से बोले, जंगल में मंगल। इधर इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, एक तरफ हमारा सैनिक स्कूल है, उधर हमारा एग्रीकल्चर का आईसीआर का सेंटर है, इधर दीमापुर है, ऊपर कोहिमा है, इधर पूरा इतना नेचुरल एनवायरनमेंट है। एजुकेशन सेंटर के लिए इससे बढ़िया जगह हो नहीं सकता था। अभी हमारा थॉमस जी और नियनो जी ये थोड़ा सड़क अच्छा बना देंगे, ये तो सड़क तो बनवा देगा ना सर, सड़क बना देगा। एक बार जोरदार ताली भी बजा, क्योंकि वो सड़क हम नहीं बनवा सकता, नहीं तो हम ही बना देता। वो गवर्नमेंट का रूल ऐसा है ना, गवर्नमेंट बनाता है तो गवर्नमेंट बनाएगा, उसमें हम गडकरी जी से भी मदद कराएगा। ये इतना अच्छा सेंटर बनेगा, छोटे बच्चों के लिए स्कूल भी बनाएंगे, डे बोर्डिंग भी बनाएंगे, जो आस पड़ोस के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे उनके लिए। जब रेसिडेंशियल स्कूल होगा तो पूरा नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट का भी बच्चा यहां पर आकर के पढ़ेगा। जैसा हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला, थॉमस साहब ने बोला, जैसा हमारा एंजोन ऑडियो जी बोल रहे थे कि ये पूरा केवल नागालैंड के लिए नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूरा कंट्री के लिए और पूरा वर्ल्ड के लिए एक बड़ा एजुकेशन का सेंटर बने, ये पतंजलि यहां पर पुरुषार्थ करेगा। और आप देखना, ये बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम लोग जैसा अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, गवर्नमेंट का तो प्रोसेसिंग में ही 3 साल लग जाता है फाउंडेशन स्टोन रखने में, यहां पर तो 3 साल के अंदर आपका हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हो जाएगा। पूज्य आचार्य जी इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत आनंद का दिन है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ ये विद्या का, नॉलेज का बहुत बड़ा हब, बहुत बड़ा तीर्थ केंद्र बनने जा रहा है। और एक खास बात, नागालैंड के बच्चे सुदूर, जो अभी तो हम एक कोने पर हैं, आगे तक पूरा नागालैंड का इलाका, यहाँ के सब बच्चे हायर एजुकेशन के लिए कहाँ पर जाते हैं? दिल्ली। और कहाँ जाते हैं? चेन्नई, बॉम्बे, पूना, बड़ा बड़ा सिटी में जाता है। जो एजुकेशन का क्वालिटी इनको चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में मिलता है, उससे ज्यादा अच्छा क्वालिटी एजुकेशन आपको नागालैंड में देंगे। आपके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और पतंजलि में जो पढ़ेगा ना, तो आधे से ज्यादा बच्चों को तो आगे एस्टेब्लिशमेंट, उनको, उनका कैरियर, उनका नौकरी,
उनका जॉब भी हम ही दे देगा। हमको ही इस समय हमारे पास करीब 1,00,000 प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। वर्कर्स से लेकर के प्रोफेशनल्स को बोले तो कितने काम कर रहे हैं? 1,00,000। यहां का आबादी कितना है? 20,00,000। हमको विद इन 5 इयर्स 10 इयर्स हमको 5,00,000 और चाहिएगा। तो हमको यहां एजुकेशन भी देंगे और एजुकेशन के बाद उनको जॉब भी देंगे, ये पतंजलि करने वाला। और बताओ क्या चाहिए? तो इतना बड़ा कार्य यहां से हो रहा है, तो आप सब लोग इसमें, ये क्योंकि चैरिटेबल एक्टिविटीज है, हम सेल्फ सस्टेनेबल नॉन प्रॉफिटेबल, क्या बोला? सेल्फ सस्टेनेबल नॉन प्रॉफिटेबल, आत्मनिर्भरता के साथ इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और इसमें क्योंकि हमारा तो ट्रस्ट और कंपनी दोनों एक ही है, ट्रस्ट भी नॉन प्रॉफिटेबल, कंपनी भी नॉन प्रॉफिटेबल, कोई पर्सनल वेल्थ, पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल एम्पायर ये एम्बिशन नहीं है मेरा और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का। नो पर्सनल वेल्थ, नो पर्सनल प्रॉस्पेरिटी, नो पर्सनल लाइफ एंड नो वाइफ। आवर होल लाइफ नो वाइफ, आवर होल लाइफ फॉर कंट्री, फॉर सर्विस, फॉर नागालैंड, फॉर इंडिया, फॉर वर्ल्ड, फॉर गॉड, यही हमारा लाइफ है। और कोई हमारा लाइफ का एम नहीं है। हम लोग अपने लिए नहीं जीते, हम तो गीत गाते हैं ना, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बढ़े, तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए, पुण्यभूमि के लिए, पुण्यभूमि के लिए, बोले भारत माता की, भारत माता की। तो हम लोग एक ही सपना है कि मेरा देश महान बने, मेरा देश ग्रेट बने, ग्रेट कंट्री, परम वैभवशाली भारत, जगत गुरु विश्व गुरु भारत, तो भारत पूरा विश्व का नेतृत्व करे ऐसा समर्थ भारत, संस्कारवान भारत। तो एजुकेशन, हेल्थ एंड मॉरल वैल्यूज, बस ये तीन यहां पर काम होगा। एजुकेशन का काम होगा, हेल्थ का काम होगा, यहां कोई बीमार हो जाता है तो बहुत दूर ले जाना पड़ता है। आगे भी हम सोचेंगे
कि यहाँ आयुर्वेद के साथ साथ जो भी हम और दूसरी भी चीज़ें कर सकते हैं उनको करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी से ना हो। स्वाभाविक मृत्यु तो सबका होना है, हमारा सपना एक भी व्यक्ति का मृत्यु बीमारी से नहीं होना चाहिए, एक भी व्यक्ति का मौत भूख से नहीं होना चाहिए। हंगर, मैल्यूट्रिशन एंड ये इनएजुकेशन, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये समाज के लिए अभिशाप है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारा एक भी भारत का व्यक्ति अनपढ़ ना रहे, अशिक्षित ना रहे, उसमें शिक्षा हो, संस्कार हो, सदाचार हो, पवित्रता हो, सच्चरित्रता हो, दिव्यता हो, और यही हमारा धर्म, यही हमारी संस्कृति, यही हमारी परंपरा। ऐसा देश अपने को, ऐसा व्यक्ति अपने को बनाना है तो कैरेक्टर बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग, एजुकेशन में हमारा सपना होता है डिवाइन, हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, प्रॉस्पेरस वर्ल्ड सिटीजन हम बनाने का, और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं, आप लोग बहुत श्रद्धा से जुड़े हैं, इस चारों तरफ देखा तो हमने देखा इधर बस्ती नहीं है कहीं। हम लोग दीमापुर से चले तो इधर बीच में एक बस्ती आया छोटा सा, बाकी एक एक झोपड़ी बनी हुई है गांव में। इस सब के बावजूद आप यहाँ हजारों की संख्या में आए हैं, आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका इतना प्रेम, उससे हमारा हृदय कृतज्ञता से भर आता है कि हमने पूरे देश में करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, और बीहड़ जंगलों से लेकर के वनवासी आदिवासी क्षेत्रों से लेकर के नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम, पूरा देश, दार्जिलिंग, सब जगह हम पहाड़ से लेकर के नीचे मैदान तक गए हैं। जहाँ हम गए वहाँ हमने हजारों लाखों करोड़ों देशवासियों को अपने साथ पाया, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत। ये इतना बड़ा जो सेवा का काम है, नाउ पतंजलि इज नंबर वन इन योगा सेक्टर, नंबर वन इज आयुर्वेदा सेक्टर, नंबर वन इज नेचुरोपैथी, नंबर वन इज वैल्यू एजुकेशन, एंड ऑल ओवर इंडिया पतंजलि इज नंबर वन FMCG ब्रांड। 11,000 ब्रांड्स के ऊपर पिछले दिनों सर्वे हुआ, ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट जारी हुआ, और 11,000 ब्रांड में सब मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड यदि कोई था तो वो पतंजलि था। ये देश को लोगों ने हमको बनाया, तो अपना देश समृद्ध बने, बस शिक्षित बने, यहाँ एनलाइटमेंट हो, एजुकेशन हो, प्रॉस्पेरिटी हो, पीस हो, हार्मनी हो, ये सपना है हमारा। इसके लिए आप लोग इतना प्रेम करते हो, और जब हम यहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च होंगे यहाँ, उसमें 100-100 रुपए तो आप लोग भी दे सकते हो कि नहीं दे सकते, जोर से बोलो। 100 से भी ज़्यादा देने वाले बैठे हैं यहाँ पर, कुछ तो मोटे मोटे सेठ हैं, और वैसे भी मोटे मोटे हैं। एक तो उधर एयरपोर्ट पे पहुंच गया, बोले बाबा जी मारी लुगाई ना दिखाऊंगो, खड़ा हो, बोला बाबा जी थारे 7 लाख का मन बहुत खुशी हुई, लाला जी अपने अग्रवाल लोगों से भी थोड़ा थोड़ा दान लेना यहाँ के लिए, पक्का, जोरदार ताली बजाओ भाई। देखो घर घर जा कर के हम दान भी लेंगे आपसे, आपका चाहे 100 रुपए लगे या 500 या 1,000 रुपए लगे या 5,000 11,000 रुपए लगे, सब लोगों को होना चाहिए कि नागालैंड के इस पतंजलि यूनिवर्सिटी में यदि 1,00,000 करोड़ ईंट लगी है तो 1 ईंट मेरी भी लगी है। ऐसा संकल्प, देखो भाई
हम तो एक अनपढ़ इलिटरेट फैमिली में पैदा हुए हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, हमारे पास साधन नहीं था। पूज्य आचार्य जी भी ऐसे ही है, लेकिन हम लोगों का एक संकल्प है कि हमें ऐसा देश बनाना है जहाँ एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा और गरीब की झोपड़ी में पैदा होने वाला बेटा एक साथ पढ़ाई कर सके। अब हम कितनों के लिए कर पाएंगे इतना तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, हम लोगों का अभी 50 इयर्स का आगे का प्रोजेक्ट है। हम लोग जल्दी मरने वाले नहीं है, 50 इयर्स का हमारा प्रोजेक्ट है। और हम 11,000 करोड़ रुपए की चैरिटीज देश में किए हैं, ये क्योंकि पतंजलि स्वदेशी कंपनी है, पतंजलि देश का ट्रस्ट है, देश का विश्वास है, हम लोग देश के लिए काम करते हैं। हमारा सपना है जिंदगी में करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की चैरिटी करके जाना और इस देश को ऊपर लेकर के आना, आगे लेके आना देश को। इसमें हम सारे देश के लोगों को भी अपने साथ लगाएंगे, खुद भी जिएंगे देश के लिए, औरों को भी आगे बढ़ाएंगे। हम एक बार पुनः पूज्य आचार्य बागशन जी, जिन्होंने यहाँ कहाँ जंगल में आकर के इतना बड़ा मंगल किया, पिछली बार हमारे राकेश जी जो चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तराखंड के, एक बार खड़े हो जाएंगे, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। हमारे दो दो राकेश हैं, एक तो ये चीफ सेक्रेटरी रहे, इनको एक दिन आचार्य जी ने पूरा नागालैंड घुमा दिया और साथ में हमारा थॉमस था। तो ये बोले ये कहाँ कहाँ लेके जाएंगे आचार्य जी, तो ये कहने लगे कि स्वामी जी ये तो धरती का स्वर्ग तो है, लेकिन अभी इधर बहुत पावर्टी है, इलिटरेसी है। ये पावर्टी और इलिटरेसी को दूर करने के लिए पतंजलि, ऐसे बोला था ना ये हमारा थॉमस ने, कंधे से कंधा मिला के, हम कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे और पावर्टी और इलिटरेसी से नागालैंड को मुक्त करेंगे। जैसे मोदी जी बोलते थे ना, गरीबी भारत छोड़ो, तो नागालैंड में नारा लगाना पड़ेगा, अशिक्षा नागालैंड छोड़ो, गरीबी नागालैंड छोड़ो, ऐसा यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए ये हमारा ये जोड़ी बहुत जोरदार है, जैसे हमारा और आचार्य जी का जोड़ी है ना, ऐसे थॉमस का और नियनो का जोड़ी है। एक बार दोनों जोड़ीदार खड़े हो जाओ, एक बार इनका जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, ये बहुत जोरदार जोड़ी है ये बहुत। और इधर पूरा संगठन के लिए विद इन 5 डेज, 5 दिन में हमारा सब कार्यक्रम बना। इधर हमारा कार्यक्रम आज लखनऊ में था, मेरा आचार्य जी का भी कहीं और था, लेकिन ये सारा कार्यक्रम ये दो जोड़ी ने हमारा इधर बना दिया। और हमारे भाई राकेश जी जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी है, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। ये वहाँ हरिद्वार में भी नागालैंड का ये जैकेट पहन के घूमते रहते हैं, तो आचार्य जी बोलते इसको ये कहाँ से लेके तो ये 10 सालों से इधर आ रहा है हमारा राकेश भाई। और सारा संगठन का हमारा कार्यकर्ता, जो हमारा प्रमुख कार्यकर्ता है, एक बार खड़े हो जाओ सब लोग कार्यकर्ता लोग, जो घर घर जाके लोगों को इनवाइट करके यहाँ पर लेकर के आए, एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाओ। ये सारा हमारा कार्यकर्ता नागालैंड का और इधर असम का भी आ गया पूरा है, ये सब कार्यकर्ताओं ने बहुत पुरुषार्थ किया है। बैठ जाओ, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। हमारा नागालैंड का पुराना कार्यकर्ता है पवन गुप्ता जी है, वो इधर ये पुराना है, सबसे पुराना, ये है तो अग्रवाल लेकिन देखने में नागा जैसा ही लगता है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे सभी हमारा संजय जी जो राज्य प्रभारी है, और रमेश जी जो राज्य प्रभारी है, कृष्ण जी, देविका जी, सत्यनारायण जी, रविंद्र जी, एजल जी, सजल जी, गीता जी और गैथोली जी, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत सेवा करते हैं, अभी तुम्हारे लिए बड़ा काम आ गया है, पहले छोटा छोटा काम था। हाँ, और सारे हमारे दीमापुर के भी सब भाई, दिलीप जी, रीता जी, लखन जी, विमान जी और सुदीप जी, कुमुद और रमेश, अभी खाली दीमापुर के कार्यकारिणी का नाम बोला, वो दीमापुर वाले आएंगे, दिलीप जी, रीता जी, लखन जी, विमान जी और जो है हमरो स्वाभिमान के भी सभी कार्यकर्ता, और संतु थापा जी, एक बार इन सब के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए।
बहुत सब सेवा करते हैं, और सभी सक्रिय कार्यकर्ता जिनको जहां ड्यूटी पर लगा दिया, और हमारे इतने लोग हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगा, सभी नागालैंड के, असम के, नौगांव के, कार्बी के, सोनितपुर के, और यहाँ के सब बहुत सेवा, जिसको जहाँ लगा देते हैं वहाँ लग जाते हैं, सबने बहुत सेवा की है। एक बार सबके लिए सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है।